हाय मूवीज मूवींद, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। एक मैंने अभी सीरीज देखी है कोरियन, और फाइनली वो छोटी सीरीज है, नहीं तो 12 से 15 16 एपिसोड तो इसके होते ही होते हैं, कहीं होकर 20 20 भी एपिसोड हैं। बट अगर ऐसी कोई सीरीज आए कोरियन लैंग्वेज के अंदर जो सिर्फ 6 एपिसोड में निपट जाए और डायरेक्शनली ऐसा लगे कि इसके सीज़न 2 की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको लगता है कि ये काफ़ी सेटिस्फाइंग सी कोरियन सीरीज है। इसका नाम है नार्को सेंट्स, बट इसके अंदर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपने बहुत सारा नार्कोस देख ही लिया होगा, भर भर के बहुत सारे फैंस हैं उसके। फिर थोड़ा सा ऑल्टरनेट अगर हम देखें तो हमने जो मैक्सिकन साइड है वो देख ली, अपने ब्रेकिंग बैड के अंदर भी, हमने बेटर कॉल सॉल के अंदर भी देख ली, फिर नार्कोस मेक्सिको भी आ गया, वो भी सब हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया। तब इसको देखने की क्या जरूरत है? तो ये एक सवाल जो है, ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो मैं अपने आप से भी पूछ रहा था। आए हुए 2 दिन हो गए हैं इसको, तो मैं अपने आपको मोटिवेट कर रहा था इसको देखने के लिए। तो पहले तो ये हिंदी के अंदर है, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, आपको इजी मदर टंग के अंदर देखने को मिल जाती है, कई बार कोरियन लैंग्वेज में ही मिलती है, तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस अवेलेबल है। हिंदी की डबिंग बहुत बढ़िया है इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देखनी चाहिए, और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ बहुत ही सेक्सी से म्यूजिक के साथ और बहुत ही शार्प कट्स के साथ ये बनाई गई है। वेरी अनलाइक कोरियन है ये, जिस तरीके से कोरियंस बनाते हैं थोड़ा धीरे धीरे बनाते हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर दिखती रहती है। और ह्यूमन बिहेवियर जो उनका प्लस पॉइंट रहता है कि हर सिचुएशन में कैसे ह्यूमंस डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा ड्रग्स दिखने वाला है, एक्चुअल स्टोरीज दिखने वाली हैं, पुलिस दिखने वाली है, करप्शन दिखने वाली है, राइज एंड फॉल ऑफ फ्यू पीपल दिखने वाला है, क्रुएलिटी दिखने वाली है, ह्यूमन साइड ऑफ जो ड्रग किन पिन है वो ऐसा क्यों कर रहा है वो भी दिखने वाला है। इसकी टोन जो है वो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, बट ब्रुटैलिटी जब आती है तो वो आपको ईरी फीलिंग जरूर देती है। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये देखनी चाहिए। और स्टार्टिंग में ही ऐसा बोल दिया जाता है कि जो भी इसके अंदर घटनाएं दिखाई जा रही हैं वो थोड़ी अनबिलीवेबल टाइप है, जो आपको लगेगा भी कि बहुत सी चीजें इत्तेफाक के ऊपर रेस्ट करी गई हैं, और ये इत्तेफाक ऐसा भी होता है क्या, आप थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर करोगे। और देखने के बाद एक क्वेश्चन और करोगे कि नार्को सेंट क्यों? जो लोग देख लेंगे इसको वो बोलेंगे कि हाँ इसका सेंट्स होना नाम जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रिलीजियस गुरु दिखेगा जो गुरुपंती करते करते कैसा येड़ापंती करते रहता है, और ऑलमोस्ट ये जो सारा नागरिक है उसके आसपास उनको कैसे ड्रग के पूरे माया जाल के अंदर फंसा लेता है, काफी अच्छा। और दूसरा एक सटायर भी है कि भाई ये गुरु जो होता है यूजली कहता है ना माया जाल से थोड़ा दूरदार सा है, लेकिन फिर भी वो जो ड्रग्स की तस्करी कैसे करता है, ब्रुटैलिटी कैसे होती रहती है, बाहर से वो बड़े ही पूजा पाठ करने वाला आदमी है, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग स्कीमिंग भी आपको यहाँ पर दिखती रहती है। तो कहानी में एक बिजनेसमैन होता है जो कि शार्प माइंडेड होता है, बट उसकी जो फादर होते हैं वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और उसने भी यही देखा होता है कि मेरे को बिजनेस इसीलिए चलाना है ताकि मैं अपनी फैमिली को ब्रेड एंड बटर दे पाऊँ। बहुत अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा होता, बट इज़ अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। अब लेकिन ये है कॉमनर, आपको ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये कॉमनर है, इसका नाम है इंगू, और ही इज हार्डली एबल टू प्रोवाइड वेल फॉर हिज फैमिली। तो एक अपॉर्चुनिटी को लेके ये साउथ अमेरिका जाता है, जहाँ पर सिर्फ 5 लाख लोगों की कंट्री है, वहाँ पर उस कंट्री का नाम होता है सूरीमन, और वहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो गलत चली जाती है। अब वो क्या गलत चली जाती है वो तो आप देखना, बट उसके वहाँ से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं, और वो अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लॉइट करता है, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी उसको एक काम देती है इस बाबा को पकड़ने का जिसका नाम पैस्टर जियोन होता है। और पैस्टर जियोन अपने आप में एक बड़ा ही कलरफुल कैरेक्टर है, जो आपको जो होता है ना कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं किंग पिन टाइप को, जिसको देखने में आपको बहुत मजा आता है। दूसरा ऐसा भी है कि जो इसका मेन कैरेक्टर भी है उसके अंदर, इंगू के अंदर भी काफी सारी लेयर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कॉमन मैन है, तो अब वो बिल्कुल ही कॉमन मैन की तरह ही एक डर की भावना आपको क्रिएट करके रखेगा कि ये भाई साहब तो कब पकड़े जाएंगे, कब हो जाएगा ये, ऐसी भावना आपको थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि ये भाई साहब को जूडो भी आता है, ये एक एक्सपर्ट मैकेनिक भी है, ये बिजनेस और मैथमेटिक्स भी ढंग से जानता है, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल के इसके अदा भी है, बड़बोला भी है, तो ये नेगोशिएट करना भी जानता है। तो इसके अंदर काफी सारी खूबियां भी हैं जिसको लेके आप कॉन्फिडेंट होते हो कि ये सिचुएशन से निकल जाएगा। और ये जो दूसरे भाई साहब है इंटेलिजेंस एजेंसी वाले, जिनका नाम
के को अच्छा है। ये बेसिकली चैंगू किस तरीके से, वैसे तो आपने इसको स्क्विड गेम के अंदर भी देखा होगा, थोड़ा ग्रे शेड का कैरेक्टर था ये, वो भी आपको काफी ज्यादा लेयर्ड कैरेक्टर इसके अंदर भी दिखने वाला है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि इंटेलिजेंस के अंदर है तो एकदम पुलिस इंस्पेक्टर टाइप होगा। तो काफी कलरफुल सी आपको ये, थोड़ी सी ज्यादा बबली, ज्यादा थोड़ा म्यूजिकली एनहांस्ड जिसे कहते हैं, उस तरीके की सीरीज लगेगी, लेकिन जो फ्लेवर ऑफ ब्रुटैलिटी है वो कम नहीं किया गया है, हल्का फुल्का जोवियलनेस जरूर है इसके अंदर, जो इसके कैरेक्टर्स लेके आते हैं, एक्टिंग बहुत बेमिसाल है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर भी रहेगा 8.5 आउट ऑफ 10। जिस चीज़ के मैं नंबर काट रहा हूँ वो इन्होंने खुद ही एडमिट करी है कि काफ़ी चीज़ें अनबिलीवेबल लगती हैं, कि ऐसे इत्तफाक पे कैसे छोड़ा हुआ है, बट जैसे इस सीरीज का क्लेम है कि सच्ची घटनाओं पे आधारित है तो हम मान लेते हैं, तो इसी वजह से इसका हाई स्कोर है। इंटरटेनिंग है, आपको मज़ा आता रहेगा, एक बार ही आपने फर्स्ट एपिसोड पे घुस गए आधा घंटा तो फिर आपको फिर पूरी ही देखने का मन करेगा ये। बाकी हम जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।